हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलिश क्रिएशंस हाउस। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं अच्छी हूँ ये तो मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ। क्या हुआ मुझे ये तो मैं बताऊँगी। देखो, मेरा सुबह तो बहुत पहले स्टार्ट हो गई। सुबह का जो घर का काम काज होता है ना, वो मैं सब कंप्लीट करके आ गई। मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, गुल्लू, पिंटू, कालू, सबको खिलाने के लिए। तो आज क्या खिला रही हूँ? दही, खट्टा दही एंड रोटी, यही मैं खिला रही हूँ सबको। यहाँ पर बैठती हूँ गुल्लू को, और बाहर जो पिंटू कालू होता है ना, ये सबको मैं खिलाती हूँ। तो इसमें आसान रहता, क्योंकि गुल्लू बहुत नखरेबाज है, तो अगर पिंटू खाते हैं ये भी खा लेते हैं, एक को कंपटीशन में खा लेते हैं दोनों। तो इसलिए मैं यहाँ पर बैठ के ये सबको खिलाती हूँ। मुझे बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो अभी तो मेरा जो काम की दीदी है वो भी आ गई, और ये तो मेरा सुबह का बहुत सारे ढेर सारे काम होता है, इधर उधर सब बिल्कुल काम जैसे आ जाता है सर के ऊपर, सभी धीरे धीरे करना पड़ता है। ये मेरे घर में नहीं, सबके घर में ही होता है। तो अभी क्या है ना, मैं तो ये लोग बच्चे लोगों को खिला के थोड़ा जाऊंगी। ये तो घर क्लीन हो गया, साइड का जो बेडरूम है, मगर जिसमें हम लोग सोते हैं वही घर में, ये कमरे में अभी रात में कोई नहीं सोता, क्योंकि यहाँ पर एसी नहीं है। तो एसी कमरे में हम लोग सब सोते हैं। वो अभी मेरा बेटी सोई है, इसलिए वो कमरे का जो बिस्तर वगैरह है वो मैं साफ़ नहीं किया। अभी खिला के मैं उधर चली जाऊँगी, तभी मेरा हस्बैंड बाज़ार जाएंगे। तो बाज़ार जाके क्या हम ख़रीद के लाते हैं वो भी मुझे कुक करना है, क्योंकि ये तो हर दिन का एक रूटीन है। जो हाउसवाइफ होता है ना, उन लोगों का तो सुबह होने का मतलब है ढेर सारे काम स्टार्ट करना, और कब ये सब ख़त्म होगा ये तो भगवान ही जानते हैं। क्योंकि फिर भी सब कुछ हम लोगों को टाइम के अंदर ही सब कुछ फिनिश करना होता है, क्योंकि सब तो टाइम में ही चलता है। मेरी बेटी भी स्कूल जाएगी, मेरा हस्बैंड भी निकलेगा, तो सब कुछ मुझे टाइम के अंदर ही करना है। मेरा भी बहुत काम होता है, ये जो यूट्यूब वगैरह का वीडियो एडिट करना, वीडियो शूट करना, तो बहुत सारे ढेर सारे ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि मैं तो अभी क्या है ना, हर दिन डेली ब्लॉग नहीं दे पा रही हूँ। बहुत जो मेरे फ्रेंड्स हैं बोल रहे हैं कि आप तो ब्लॉग नहीं बना रहे हो। तो क्या है, मैं इधर लाइव करती हूँ, मगर ब्लॉग का तो बहुत, जो ब्लॉग का ब्लॉग देखते हैं ना, उन लोग मुझे बोलते हैं आप ब्लॉग बनाओ, ब्लॉग क्यों छोड़ दिया। पहले तो मैं डेली व्लॉग बनाती थी, मगर अभी सही में कुछ तो मैं ढीला दे दिया। ये किसी पर मैं दोष नहीं दूंगी, मैं ही इस पर ढीला दे दिया। तो अभी मैं सोच रही हूँ, नहीं, मुझे हर दिन ही एक ब्लॉग देना है, क्योंकि जो ब्लॉग पसंद करते हैं देखना, उन लोगों का, उन लोगों के लिए मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए। सो आज भी आज वही सोच के मैं ब्लॉग स्टार्ट किया फिर से बहुत दिन बाद। तो चलो, मैं इस घर में तो दूसरे वाले जो कमरा है उसमें आ गई, मेरे बेटी भी उठ गए, तो वो तो फ्रेश होने के लिए गई, तो मैं उसी दौरान यहाँ पर आके बेड वगैरह सब साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो अगर बिस्तर साफ़ ना हो ना घर का, तो घर का माहौल ही कुछ अलग होता है। अगर सबसे तो घर में एक बेड क्लीन बहुत ज़रूरी है, उसमें घर का जो शोभा होता है वो उभर आता है, नहीं तो घर का हालत बिल्कुल बिगड़ जाता है, देखने में अच्छे नहीं लगता और बिल्कुल मूड भी फ्रेश नहीं लगता।
इसलिए बेड को सबसे पहले अच्छी तरह मैं साफ़ कर लेती हूँ सुबह। फिर जो फर्नीचर वगैरह होता है ना, ये तो मेरा हर दिन का ड्यूटी है, जो धूल मिट्टी जमता है वो भी डस्टिंग कर लेती हूँ एक ही साथ, क्योंकि मेरा जो काम वाली दीदी है वो दूसरे कमरे का झाड़ू पोछा कर रही है, अभी लास्ट में ये कमरे में आती है वो, क्योंकि वो जानती है ये कमरा थोड़ा देर होता है, इसलिए लास्ट में वो ये कमरे में आती है और झाड़ू पोछा करती है। तो गाइस, मैं बोली थी कि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, ये इसका कारण है मेरा नींद पूरी ना होना, क्योंकि मैं रात में लाइव करती हूँ तो इसलिए थोड़ा नींद का प्रॉब्लम हो रहा है, और दिन भर मुझे लगता है मुझे सोना है, बिल्कुल आँखों में नींद है, तो इसी का प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए मैं जिस दिन मैं दोपहर में सोती हूँ उस दिन तो ठीक होता है, मगर जिस दिन नहीं सोती उस दिन ही प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए थोड़ा नींद का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए तबीयत भी अच्छी, एनर्जी नहीं मिल रही मुझे। तो चलो फिर, ये तो लगा ही रहता है, टाइम देखती हूँ क्या क्या ठीक ठीक टाइम शेड्यूल मुझे सेट करनी है। तो अभी मैंने ढेर सारे काम कर लिए घर का वगैरह, थोड़ा पेपर को लेके बैठ गई, क्योंकि ये तो मेरा डेली रूटीन है, थोड़ा इसी बीच में थोड़ा पेपर वॉच कर लेती हूँ, नहीं तो दिन भर में तो मुझे मौका नहीं मिलता। अभी थोड़ा रीड कर रही हूँ, इसके बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी, यही टाइम होता है मेरा रेस्ट करने की, थोड़ा बैठ गई, हर दिन नहीं मिलता मुझे ये टाइम रेस्ट करने की, हर दिन तो दौड़ते ही रहती हूँ सुबह से उठ के। आज थोड़ा उसके पापा थोड़ी देर पहले ही बाज़ार गए हैं ना, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, इसलिए ये टाइम मैंने स्पेंड कर रही हूँ खुद का कुछ काम करके। ये जो कॉम्बिंग है ना, ये बहुत एलर्जी है मुझे, कॉम्बिंग मैं ठीक तरह से नहीं करती, तो जब मैं फुर्सत होती है तभी मैं कॉम्बिंग कर लेती हूँ अभी, इसलिए ये टाइम मैंने कॉम्बिंग कर लिया, बहुत अच्छा फील हो रहा है बहुत ही अच्छा, दो दिन बाद मैंने कमिंग किया ओह माय गॉड, नहीं सामने सामने ठीक ठाक करती हूँ, मगर क्ली जैसे अभी जैसे किया ना, ये मैं आज कर रही हूँ अभी तो मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, क्योंकि मैंने कमिंग किया, कमिंग अच्छी तरह करने के बाद मुझे मेरा जो फीलिंग्स होता है ना, बहुत ग्लैड होती हूँ मैं, बहुत खुश होती हूँ क्योंकि अच्छी तरह कमिंग कर लिया। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहो। हेलो फ्रेंड्स, आज तो पहले मैं कोई हेलो वालो नहीं बोली, तो आज तो एंड में ही बोल रही हूँ, तो गुड मॉर्निंग। अभी तो 8:30 बज गए हैं, अभी मेरा हस्बैंड बाज़ार गए, तो थोड़ा बहुत तो है कल का, आज देखती हूँ क्या लाते हैं, फिर मैं रसोई करूँगी। और आज का जो ब्लॉग है, मैंने सुबह से थोड़ा थोड़ा क्लिपिंग शेयर किया कि 8:30 बजे तक मैंने क्या क्या किया, तो आज का ये ब्लॉग मैं यही ख़त्म करूँगी, क्योंकि इसके बाद तो मुझे किचन में जाना है और किचन ब्लॉग तो अलग ही करती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, और जो फ्रेंड मेरे चैनल में नए हो ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो, ठीक है। मेरा आज क्या है ना, मेरा तबीयत भी उतना ज़्यादा ठीक नहीं, कल मैं लाइव ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत रात तक लाइव करने के दौरान क्या हो रहा है ना, मेरा जो नींद का प्रॉब्लम हो रहा है, मेरी आँखों में हर वक्त ऐसा लग रहा था कि मुझे सोना है, नींद आ रही है, तो इसी बीच मुझे इतने रात जगने की आदत तो है नहीं, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा तबीयत ख़राब हो रहा है। तो मैं सोचूंगी वो वाला टाइम अगर मैं चेंज कर सकती हूँ और आप लोग ज्वाइन कर सकते हो तो मुझे अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले तो 8 बजे करती थी, अभी 8 बजे मेरा बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि खाना बनाना, बेटी को थोड़ा पढ़ाना, ये सब मैं मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए सबको सुला के मैं लाइव ज्वाइन करती थी, यही मेरा प्लान था, मगर ये प्लान बहुत अच्छा था, मगर मेरा जो तबीयत है ना वो साथ नहीं दे रहा है, मेरा नींद का प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे हर वक्त लगता है मैं सोती रहूं और मुझे सोना है,
ऐसे हो गया तो इसलिए कल मैं ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाई और लाइव ख़त्म कर दिया और आके सो गई मैं बिल्कुल। सो फ्रेंड अब मैं थोड़ा टाइम चेंज करूँगी, मैं सोच के सबका टाइम देख के मैं मुझे टाइम चेंज करनी है क्योंकि ये टाइम बहुत रात हो जाती है, मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है सोने में, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा तबीयत ख़राब हो रहा है। और अगर तबीयत ही ख़राब हो गया तो मैं क्या करूँ, ये लाइफ वगैरह वो तो सब बाद में, पहले तो खुद को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स इसलिए थोड़ा मैं टाइम चेंज करूँगी, आप लोग प्लीज़ वो टाइम मुझे कोऑपरेट करना, उस टाइम पे आप लोग सब ज्वाइन हो जाना। तो मैं देखती हूँ मैं कितने बजे लाइव करती हूँ, सोच के मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूँगी। तो फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ उस टाइम पे ज्वाइन कर जाना, ठीक है। तो आज के जो ब्लॉग है ना मैं ही खत्म करती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट कोई कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।